आपके अपने चैनल YouTube चैनल मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप तक मैं पहुंच रहा हूं, वीडियो आप तक अपलोड कर रहा हूं, जिसका हेडिंग रखा गया है मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले भी न जाने कितना वीडियो हमने अपने YouTube चैनल मैथ एफटी पर अपलोड किया है, जो मल्टीप्लिकेशन से एक यूनिक ट्रिक के साथ मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे YouTube चैनल पे जाएं, वहाँ मैथ एफटी के नाम से फुल फॉर्म है इसका, मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक, इनके नाम से ये चैनल बना हुआ है। उनके अंदर प्लेलिस्ट है, वो नंबर ऑफ द प्लेलिस्ट भी डाला हुआ है कि इनका क्या टॉपिक है, उस टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको जो पसंद हो, क्लास 10 के विद्यार्थी हो, क्लास 9 के विद्यार्थी हो, क्लास 7-6 के विद्यार्थी हो, या किसी क्लर्कल कैडर के एग्जामिनी कैंडिडेट हो, उनकी सारी मैथमेटिक्स हमने रख दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मल्टीप्लिकेशन का फिर एक अद्भुत ट्रिक देखिए कि इससे रिलेटेड भी वीडियो हमने डाल रखा है, उसको भी देखें। और अभी का जो वीडियो है जो काफ़ी सुपर फास्ट है, जैसे आप देखें कि 7 को अगर एक डिजिट लेफ्ट साइड में है, दूसरा डिजिट राइट साइड में है 9, अगर 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 का टेबल 9 टाइम्स पर है, या 9 का टेबल 7 टाइम्स पर है, इसको 9 × 7 = 63 करते हैं। एक छोटा डिजिट का है, एक डिजिट का है, तब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं मान गया। अगर इसी को अगर किया जाए, 2 डिजिट का किया जाए, 3 डिजिट का किया जाए, सपोज कीजिए कि 324 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तब इसमें कौन सा 324 का टेबल आपको लगेगा? अगर 99 की जगह पे इसको 39 कर दिया जाए तब कौन सा टेबल आपको यहाँ लगेगा, ये टेबल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनका नियम देखिए, कहा गया है कि गॉड इज़ वन, भगवान एक है, इसलिए भगवान ने यूनिवर्स भी एक बनाया, इसलिए धरती पे हमने भी फार्मूला एक ही बनाया, भगवान को देख के, भगवान से सीख के कि भगवान ने धरती एक बनाया, पूरा यूनिवर्स एक बनाया, इसलिए फार्मूला एक ही बनाते हैं, जिससे किसी भी नंबर को, चाहे 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 50 डिजिट का हो, अगर 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो उनके लिए एक ही नियम है, एक ही रूल है। आप वीडियो पे देखें, वीडियो से भागे नहीं, ये आपको बिल्कुल पसंद आएगा, नहीं पसंद आने का कोई सवाल नहीं है। इनका तरीका है, एक ही फार्मूला है, अगर 9 से मल्टीप्लाई होता है तो लेफ़्ट साइड में जो नंबर दिया हुआ है, चाहे 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 50 डिजिट का हो, 100 डिजिट का हो, उससे हमको मतलब नहीं है, उस नंबर को एज इट इज़ उतार लें। यहाँ 324 है, 324 हमने एज इट इज़ उतार लिया, अब कुछ नहीं करना है, खेल ख़त्म। इधर राइट साइड में देखिए कि नंबर ऑफ़ द नाइन्स कितना है, तो मालूम हुआ कि राइट साइड में नंबर ऑफ़ द नाइन्स 3 है। जितना नंबर ऑफ़ द नाइन्स हो लेफ्ट साइड के नंबर पर, उतना 0 आप रख दें, इससे दुनिया में कोई आसान नहीं है। जितना राइट साइड में 9 है उतना यहाँ लेफ्ट साइड के नंबर पे 0 रख दे। और ये आप देखें कि ये नंबर है 324, इसमें से एक बार 324 आप घटा ले, माइनस कर ले, हमने माइनस लगा दिया, 10 में से 4 गया ये होगा 6, ये हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 7, ये हो गया 9, 9 में से 3 जाएगा तो ये होगा 6, ये बच गया 3, ये 3 होगा, ये एज इट इज़ दोनों उतर जाएंगे, 2 होगा, 3 होगा। अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 3 × 2 = 36 = 76, आपको दुनिया के जिस कैलकुलेटर में मिलाना है आप मिला लीजिए, यही आपका नंबर होगा। एक सवाल और देखें, आप ऐसे देखें, आप अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे देखें, ठीक। देखिए सवाल नंबर 2, जो भी कमीशन के एग्जामिनी कैंडिडेट है, स्कूल के बच्चे हैं, वो इसको देखें, ये अद्भुत ट्रिक मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। अगर इनको दिया जाए कि 92,754, हिंदी में समझे, 92,754 को 9,999 से मल्टीप्लाई करना है, सुबह से शाम हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में, गारंटी नहीं है कि जवाब आपका सही होगा कि गलत होगा। कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड का जो नंबर है उनको एज इट इज़ उतारिए, 92754, काम ख़त्म हो गया। राइट साइड में 9 देखिए कितना है, यहाँ 4 9 है, उनकी जगह पे 4 0 रखिए, कोई फंडा है इसलिए मैं 4 0 रखता हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड का जो नंबर लिखा उनमें से इनको घटा लीजिए, 92754 इनको माइनस कर लीजिए, कुछ नहीं कीजिए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, ये 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया तो ये कितना हुआ 7, इसमें से 13, एक एक्स में चला गया तो 13 में से 9 गया 4, ये बच गया 4, बाकी एज इट इज़ उतर जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 7
4447246, यही इनका आंसर होगा। जहाँ से मिलाना है आप मिला सकते हैं, आपको ये छूट है। ऐसे देखें आप, अगर समझ में नहीं आता तो ऐसे देखें। इससे अच्छा टेक्निक 9 से गुना करने का धरती पे नहीं है। इसलिए हमने बिगनिंग में कहा है कि अगर गॉड इज़ वन, इफ़ गॉड इज़ वन तो देयर शुड बी फॉर्मूला विल बी ऑल्सो वन। इसलिए कि भगवान एक है, भगवान ने धरती एक बनाया, पूरा यूनिवर्स एक बनाया, इसलिए 9 से मल्टीप्लिकेशन करने का फॉर्मूला भी हमने एक बनाया है। इसको देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लें आप। ये क्वेश्चन देख लें, 3278 को ये देखिए 909,999 से मल्टीप्लाई करना है। इधर नंबर ऑफ़ द डिजिट आपको 5 है, इधर नंबर ऑफ़ डिजिट 4 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना भी नंबर ऑफ़ डिजिट लेफ्ट में हो राइट में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको एज इट इज़ उतारिए, 3278 इनका काम ख़त्म हो गया। इधर देखिए कितना 9 है, तो 5 9 है, इन पे 5 जीरो रखिए, और जिस नंबर पे जीरो रखा उसमें से इनको घटा लीजिए, 3278 कुछ नहीं करने का। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, ये बच गया 9 में से 3 गया 6, ये बच गया आपको 9 8। ठहरिए, हाँ ये देखें, जितना लेफ्ट साइड का नंबर था वो डाला, जितना नंबर ऑफ द 9 से उतना जीरो रखा उसमें से इसको घटा दिया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, ये 9 एज इट इज़ उतरेगा, ये बच जाएगा 8, इसलिए 7 बच जाएगा, इसलिए कि 1 में से 1 दाएं इधर गया, तो 7 में से 7, ये 3 डिजिट 327 एज इट इज़ उतरेगा। इनका जवाब 3277967222, इसका ये आंसर हुआ। जहाँ चाहिए आप मिला लीजिए, अगर आपको मिस्टेक लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, इसका करेक्शन करेंगे। करेक्शन होने का सवाल ही नहीं है, ये फार्मूला एक बनाया हुआ है। इसलिए भगवान एक है, इसलिए फार्मूला भी धरती पे एक रहेगा। एक सवाल और देखिए, बस लास्ट का एक सवाल और देख लें। इधर 4 डिजिट है, इधर 3 डिजिट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे जिधर जितना डिजिट हो, लेफ्ट में कुछ डिजिट हो, राइट में नंबर ऑफ द 9 कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 4 डिजिट है, इनको एज इट इज़ उतारिए, 8576। अब मैंने कहा कि जितना राइट में 9 हो उतना इस नंबर पर ज़ीरो रख दीजिए, और इसी को इसमें से माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 8576। इनको घटा लीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, ये बच गया 9 में से 5 गया 4, ये बच गया 5, 15 में से 8 गया तो ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया एज इट इज़ तरह। इसका मतलब हुआ कि 8567424, यही इनका जवाब हुआ। अगर 2 सेकंड से ज़्यादा में समय लेता है तो हमारा वीडियो देखना आप छोड़ दें। 8567424, चलिए मैं आपको एक अद्भुत ट्रिक बताया 9 से मल्टीप्लाई करने का। बहुत सारे यूट्यूबर तरह तरह का मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, वो काफ़ी लंबा समय लेगा। एग्जामिनेशन हॉल में या कि स्कूल में या क्लास में जहाँ भी हो, ये अगर अपनाते हैं तो 2 से 3 सेकंड में ये बनेगा। अगर आपको पसंद आता है पहले आप हमारा वीडियो देख लें, अगर आपको पसंद आता है तब जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना पहले सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। देख लें, अगर आपके नॉलेज में 0.001% का भी इंक्रीमेंट करता है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ अटैच हो सकते हैं। हम डेली वीडियो 1 से 2 अपलोड करते हैं, मैथमेटिक्स का ही चैनल है इसलिए मैथमेटिक्स का ही वीडियो अपलोड होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमारा कोई वीडियो अपलोड नहीं होता है। अगर ये पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, खुद लाइक करें और दोस्तों से भी कन्विंस करें कि वो लाइक करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे वीडियो को सराहा, आपने हमारे वीडियो को वॉच किया। अगर आपको पसंद आया तो आपको ये आज़ादी दी जाती है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन डालें कि आपको हमारा ये बताया हुआ यूनिक ट्रिक, सुपर फास्ट ट्रिक कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में डालिए। आपका इन्फॉर्मेशन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आप इसको देखें, ये अद्भुत ट्रिक है। जनरल यूट्यूबर और भी बताते हैं, हमारी कोशिश है कि जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी, तब तक इसको वॉच करें और देखें, और कमेंट बॉक्स में अगर इच्छा है तो आप इन्फॉर्मेशन इनपुट कर सकते हैं। शेयर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी वीडियो को वॉच किया, इसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स यू। ओके, बाय बाय।